और अपने सदन के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी की तरफ से जो मुझे बोलने का मौका दिया, उनको धन्यवाद देता हूँ। जो ये विनियोग विधेयक है, इसमें मान्यवर जो बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मनरेगा, ये सभी में बजट में कटौती की गई है मान्यवर। और सरकार ने दावा किया था कि हम अपने रुपये को मजबूत करेंगे। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार हमारे रुपये में गिरावट, डॉलर के मुकाबले गिरावट दर्ज की गई है। कृषि के क्षेत्र में मनोर इन्होंने कहा था कि हम किसान की आधुनी करेंगे, आज डीजल के, खाद के, बीज के दाम बढ़े हैं। हमने देखा कि 1000 रुपये कुंटल धान बेचने पे इस साल मजबूर हुआ किसान, गत वर्ष 1400 रुपये कुंटल गेहूं बेचने मजबूर हुआ, जबकि जो इनके कृषि विश्वविद्यालय हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ इनकी धान की, गेहूं की लागत 25 रुपये कुंटल करीब गेहूं की आती है और धान की 27 रुपये कुंटल आती है, लेकिन किसान को MSP जो है बहुत कम दिया जाता है। वही बीज के रूप में जो 7000 रुपये कुंटल, 8000 रुपये कुंटल बेचा जाता है, तो इसको जो है MSP को बढ़ाया जाना चाहिए, जिसकी लागत है उससे दूनी किए जाने की आवश्यकता है। मानोर शिक्षा के क्षेत्र में आज दोहरी शिक्षा नीति है। एक तरफ गांव का बच्चा, एक तो कोरोना काल में वैसे भी बच्चे बर्बाद हो गए, दोहरी शिक्षा नीति के कारण गांव का बच्चा जो हिंदी मीडियम पढ़ता है और जो पैसे वाला है अमीर का बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, जब कोई भी परीक्षा होती है तो एक ही पेपर आता है, तो इंग्लिश मीडियम का बच्चा पास हो जाता है और गरीब का बच्चा हिंदी मीडियम का नहीं सक्सेस होता है। तो इसको वन नेशन वन एजुकेशन लाएं कि एक समान शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता है। मानवर जो आज डिजिटल इंडिया बताया जा रहा है, बैंकों को खत्म किया जा रहा है, बैंक सारे, क्योंकि तमाम घोटाले करके विजय माल्याल, नीरव मोदी से लगा के तमाम लोग देश का खजाना लूट के भाग गए, वो सारा देश के नागरिकों पे, देश पे कर्जा लादा गया, इसलिए बैंकों को निजीकरण किया गया। डिजिटल इंडिया, आज धोखाधड़ी कितनी हो रही है, रोज फोन पे आते हैं कि आपका फेसबुक में आप इनाम जीत गए हैं, आप इसमें इनाम जीत गए हैं, आपको कार मिल गई है, आपको ये मिल गया है। तो हमारा एक्ट जो साइबर एक्ट है इतना कमजोर है कि तमाम करोड़ों लोग रोज धोखाधड़ी होकर उनके बैंकों से पैसा निकासी हो रही है, उस पर साइबर एक्ट को जो है मजबूत करना किया जाना चाहिए, कानून कड़ा किया जाना चाहिए, जिससे ऐसे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। मानवर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। मानवर कैंसर जैसे बीमारी है, आज लाइलाज बीमारी है, उसके लिए बजट में अलग से बजट व्यवस्था होना चाहिए था। हम आलोचना नहीं करेंगे, जब चुनाव होते हैं उसमें कई हजार करोड़ बजट अलग से व्यवस्था की जाता है, बूथ मैनेजमेंट प्रतिवोटर के हिसाब से किया जाता है, लेकिन कैंसर से जो पीड़ित मरीज है उसके लिए कोई बजट व्यवस्था नहीं है कि हम निःशुल्क जो है पूरे देश के कैंसर मरीजों की व्यवस्था करेंगे। तो हम मांग करते हैं कि कैंसर मरीजों को जो है बजट में व्यवस्था की जानी चाहिए, निःशुल्क इलाज होना चाहिए। मानो बेरोजगारी, मानो आज देखने मिल रहा है, 2014 में कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लॉकडाउन और इधर नोटबंदी से लोगों की नौकरी चली गई, केवल 60,000 नौकरी देने की बात कही गई है इस बजट में। आज जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं अपनी डिग्रियां जला रहे हैं, हताश हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनको रोके जाने की आवश्यकता है। मानव जब तक हम लोग इनको जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं इनको नौकरी नहीं देंगे तब तक इनको जो है ये लोग हताश निराश रहेंगे। मानव रेलवे और हवाई अड्डे, जितने रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, लाल के सब बेचा जा रहा है। इन्होंने कहा था रेलवे में कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, बुलेट ट्रेन में क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, ये तमाम मामले हैं। मानो पेयजल में इन्होंने कहा कि घर घर नल की व्यवस्था। मानो मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, उत्तर प्रदेश में जल निगम जल संस्थान है, ये पेयजल योजना बनाई गई और टेंडर हुए, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विभाग है जल निगम है, जल संस्थान है, आज वो जो है कगार पे खड़ा हो गया, भूखा मर रहे हैं कर्मचारी अधिकारी वहां के, उनको दो दो साल से तनख्वाह नहीं मिल रही, क्योंकि उनको
पेयजल का इनका टेंडर नहीं मिल रहा है, एक अमुक राज्य के बड़े बड़े ठेकेदार को ठेका मिल रहा है, वो पेटी कंट्रैक्ट में काम जिले वालों वहीं लोकल वालों से करा रहे हैं। मानवर आवास योजना, इन्होंने कहा था 2022 तक हम सभी को पक्का मकान दे देंगे, अभी SC ST आदिवासियों पर चर्चा हुई थी, कितने तमाम गरीब गुरबा लोग हैं जिनके पास मकान नहीं आवास नहीं है, तो सभी को जो है पक्के आवास मकान देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मानवर मानवर OBC SC ST के लोग तमाम मांग कर रहे हैं, OBC के लोग, इनकी जाति जनगणना जब तक नहीं होगी इनको कोई लाभ किसी योजना का नहीं मिलेगा। OBC के लोग चाहते हैं कि हमारी जाति जनगणना हो और संख्या के आधार पर उनको सभी सेक्टरों में भागीदारी मिले, जिससे कि वो लोग भी जो है हर अपना सुकून से जिंदगी जी सके। मानो हमारे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में किसान घाटे खेती करे अन्ना प्रथा है, उन अन्ना प्रथा को खत्म करके उसके लिए किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अन्ना प्रथा को जो पशुओं से होने वाली हानि है उसको सचेत किया जाना चाहिए। मानो यही मानो हमारे पॉइंट थे, 13 पॉइंट रोस्टर खत्म किया जाना चाहिए। मानो और मानो आज देख रहे हैं कि एक फिल्म बनी है कश्मीर पंडित, हम चाहते हैं कि बैंडिट कून को भी टैक्स फ्री किया जाना चाहिए और लखीमपुर खीरी के किसान पे फिल्म बनना चाहिए, जो 14 महीने से किसान जो है यहाँ पे बैठे उस पर फिल्म बनना चाहिए। मीडिया में बोला जाता है कि बताओ 75 साल में क्या किया, तो वहाँ एक व्यक्ति ने कहा कि वो नहीं बताएंगे, नहीं तो उसको भी आप देख लेंगे। इसलिए जो भी आज देश में हुआ है उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।